नमस्कार दोस्तों, पूनम की झटपट रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को नारियल पुआ बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं नारियल पुआ। इसके लिए मैंने एक नारियल को लिया है, ये देखिए मैंने ये कच्चा नारियल लिया है और इसके शेल को हटाकर इसे मैं कद्दूकस कर लूँगी। ये देखिए कद्दूकस बड़ी आसानी से हो जाता है और इस प्रकार से हमें कद्दूकस कर लेना है। और कद्दूकस करने के बाद सभी नारियल को मिक्सिंग जार में डालकर इसे बिल्कुल बारीक पीस लेना है। ये देखिए मैंने नारियल को पीस लिया है और अब मैं इसे एक प्याले में निकाल लेती हूँ। ये देखिए लगभग आधा कप ये हमारा पिसा हुआ नारियल है। और चावल का आटा मैंने एक कप लिया है, दूध एक कप, 1/3 कप मैदा, आधा कप चीनी और 3 से 4 मैंने छोटी इलायची को लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने चावल के आटा को डाला है, फिर मैदा, ये पिसा हुआ नारियल, चीनी और छोटी इलायची, इसे कूटकर मैंने डाला है। और सभी सामग्रियों को अच्छे से बिल्कुल मिला लेना है और इसमें दूध डालकर इसका एक पेस्ट सा बना लेना है। ये देखिए दूध कम पड़ जाए तो थोड़ा दूध और आप डाल सकती हैं। ये देखिए मैंने घोल तैयार कर लिया है, इस पर एक भी लम्स नहीं है और इसे मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और तेल हमारा बिल्कुल गर्म है और मैंने ये देखिए पुआ बनाना शुरू कर दिया है। एक चम्मच मैंने पुआ का घोल डाला है। एक तरफ से देखिए ये बिल्कुल सुनहरा हो चुका है और मैंने इसे पलट दिया है। ये देखिए एक पुआ हमारा बनकर तैयार हो गया है। और अब मैं एक और पुआ बनाकर दिखाती हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार ये जो नारियल पुआ है छोटा या बड़ा बना सकती हैं। ये देखिए इसे भी बिल्कुल सुनहरा इसे सेक लेना है। दोस्तों ये बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बेहद स्वादिष्ट लगता है। ये देखिए ये जो हमारा नारियल पुआ है ये बिल्कुल सिक चुका है, बिल्कुल सुनहरा हो चुका है। इसी प्रकार से मैं सभी नारियल पुआ को बना लूंगी। ये देखिए मैंने सभी नारियल पुआ को बना लिया है। ये देखिए तो दोस्तों ये हमारा नारियल पुआ बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इस दीपावली में इस नारियल पुआ को ज़रूर ट्राई करें, इसे बनाएं, खाएं और हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगे तो इसे आप लाइक शेयर ज़रूर करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।